हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मनीषा है। मैं आज आपके सामने मोदी केयर के कुछ डेमो दिखाने जा रही हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट के बैकबोन है। ये आप देख ही रहे होंगे, दो मैंने एक पेज पे दो स्माइली बना रखे हैं, एक मार्केट का, एक मोदी केयर का। मार्केट के स्माइली पे मैं मार्केट के जाने माने ब्रांड को का स्प्रे करूंगी। और दूसरे हमारा जो मोदी केयर का स्माइली है, उस पे हम मैं अपने मोदी केयर के एसेंशियल डियो का स्प्रे करूंगी। अब आपको दिख ही रहा होगा, जो मार्केट का स्माइली है वो कैसे सैड फेस में बदल गया है। यही नहीं, ये हमारे त्वचा की तीन लेयर तक को हार्म करता है। देखिए, दिख ही रहा होगा आपको। ये हमारी त्वचा की तीन लेयर तक तो नुकसान पहुंचाता है। चलिए मैं आपको अपना अगला प्रोडक्ट दिखाती हूँ, जो हमारा है स्टेरिक्लीन। ये मैंने दो ग्लास लिए हैं, जो हमारी फ्लोर को दर्शा रहे हैं। अब फ्लोर के लिए मैं पानी लूंगी, दोनों में इक्वल क्वांटिटी में पानी डालूंगी। एक में मैं इस फ्लोर को गंदा करने के लिए मैं इसमें गुड बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए ये नील डालूंगी। अब मैंने इनमें नील डाल दिया है। अब दोनों फ्लोर को मैं गंदा कर रही हूँ। अब एक में मैं ये मार्केट का जाना माने ब्रांड का फ्लोर क्लीनर ले रही हूँ, जो ये दावा करता है ये 99% जम्स को क्लीन कर देता है। आप देखिए, इसमें मैं पूरी एक कैप भर के डाल रही हूँ, जबकि हमारा जो स्टेरी क्लीन है, ये मैं आप देखना कुछ बूंद मात्र लूंगी, मात्र कुछ बूंद लूंगी। देखिए इसमें कितना आया होगा, आप खुद ही देखिए। मात्र कुछ बूंदे आई हैं, मैं वो इसमें डाल रही हूँ। अब आप देखिए, ये जो हमारा मोदी केयर का स्टेरी क्लीन है, उसने फ्लोर को साफ कर दिया है। आपको दिख ही रहा होगा, ये फ्लोर साफ होने लगी है धीरे धीरे। हो गई ना, आपको दिखा ये फ्लोर कैसे क्लीन हो गई है, जबकि ये जो मार्केट का जाना माना था वो अभी भी गंदा है। और हमारे घर में जैसे बच्चे बार बार आते हैं, जम्स वगैरह उनके पैरों में लग के आते हैं, वो भी धीरे धीरे, या मेहमान आते हैं, अब मेहमानों को तो रोक नहीं सकते, मगर ये देखिए धीरे धीरे उनके पैरों से जो शूज वगैरह में गंदगी लग के आती है, वो भी धीरे धीरे इस फ्लोर की भी क्लीन कर दी है। ये हमारा स्टेरी क्लीन था। अब मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा प्रोडक्ट हमारा डेजोल्व। आप देखिए, ये मैं लिपस्टिक का दाग लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने काजल लिया है, वो भी आपको दिखा। और ये मार्कर है, ये मार्कर का निशान है। ये मैंने अपना हाथ गंदा कर लिया है। अब ये हमारा डेजोल है, जैसे कि इसका नाम है डेजोल, सारी चीजों को साफ करने वाला। ये हमारा मल्टीपर्पज क्लीनर है और ये नारियल के रेशों से बना है। अब आप देखिए, ये जो मैंने फिंगर पे लिया ना डेजोल थोड़ा सा, उसी से इसे मैं साफ करूंगी। आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे ये साफ होने लगा है, ये देखिए। अब ये मैंने हैंकी लिया है, ये आपको हैंकी दिख रहा है। अब इस हैंकी से मैं इसे साफ कर रही हूँ। आपको दिखा, ये मेरा हाथ साफ हो गया। अब आप कहेंगे, आप ये हैंकी तो आपने गंदा कर दिया, अपना हाथ तो साफ कर दिया, मगर देखिए ये भी साफ हो जाएगा, जो इसमें डेजोल लगा हुआ है उसी से साफ हो जाएगा। ये मैं इसमें पानी में थोड़ी देर रब करूंगी। देखिए, वाओ, आपने देखा ना, ये साफ हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ अपना मोदी केयर का।
ये मैंने पानी लिया है, ये हमारा वंडर ड्रॉप है, ये हाईली कंसंट्रेटेड पावर से बना है। इसकी एक ऐसी बोतल से हम 6 बोतल बना सकते हैं। ये देखिए, आप देखिए, ये मैंने मैच स्टिक ले रखी है, इसे भी मैं कैप में करूंगी। और इस देखिए, इसे मैं थोड़ा सा डिप किया है, आप खुद ही सोचिए मैच स्टिक में कितना आया होगा। ये हमारे पानी है जिसमें मैं इसे डालूंगी। आपको दिख रहा होगा इसमें एक लेदर की फॉर्म इकट्ठा हो गई है। इससे ही हमें पता चलता है ये हमारा कितना बढ़िया है, ये हाईली कंसंट्रेटेड पावर में है। और ये हमारा, मैंने आपको जैसे बताया कि इस एक बोतल से हम ऐसी 6 बोतल बना सकते हैं, और इससे हमारे 50,000 बर्तन क्लीन हो जाते हैं, और ये कम लगता है ज्यादा चलता है। अब मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी। ये मैंने गिलास लिया है, इसमें मैं पानी डाल रही हूं। अब मैं इसके अंदर ये बेटाडीन डाल रही हूँ, जो हमारी बॉडी की गंदगी को दर्शा रहा है। आप देख रहे हैं, हम जैसे जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, तला भुना चिकनाई वाला खाना खा लेते हैं, ये उसको दर्शाने के लिए मैंने इसमें बेटाडीन डाला है। आपको ये भी पता है बेटाडीन की जो स्मेल होती है वो कितनी गंदी होती है। अब ये मैंने हमारे अमृत शक्ति कैप्सूल लिया है, जिसे मैं इसमें पिंच करके डालूंगी। यह हमारा अजवाइन तुलसी के सत्व से बना है, जो पेट में अफारा हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह होती है, हम ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते टाइम भी हमें उल्टी वगैरह लगती है, उन सभी परेशानियों को दूर करता है। और यही नहीं, अगर इसे पिंच करके हम अपने बच्चों को दे तो जैसे सर्दी जुखाम वगैरह होता है, या किसी की पसलियां चल रही होती हैं, तो अगर इसकी भाप दी जाती है पानी में डाल के, गर्म पानी में, तो भी उससे रिलीफ मिलता है। और हैंकी में अगर इसको पिंच करके लगाया जाए तो जुखाम के टाइम पर हमारी जो नाक वगैरह बंद हो जाती है या जुखाम हो रहा होता है वो खुल जाता है। ओके, थैंक यू।